नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं जो भी त्योहार होता है वो अपनों के साथ मनाना चाहिए, तो सैनिकों से ज्यादा अपने आखिर कौन है हमारे। इसीलिए हम निकले हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, सरहद से लगे इलाकों में, और वहां पर हम देखेंगे कि हमारे सैनिक दीपावली का त्यौहार कैसे मना रहे हैं, उनके साथ दीपावली की खुशियां बांटेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी सरहद है जहां पर इतनी चहल पहल, इतनी रौनक। तो हम आपको बता दें, ये श्री तनोट माता मंदिर है जिसकी देखरेख BSF के जिम्मे है। ठीक उसी तरीके से जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर, ये पूरा BSF के जिम्मे आता है। तो हम उस बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी चलेंगे, वहां भी देखेंगे वहां पर कितनी सीमाओं में, कितनी कमियों में मनाते हैं दीपावली। लेकिन शुरुआत यहां इस चमत्कारी तनोट माता मंदिर से। पहले हम आपको लिए चलते हैं देश के अलग अलग सरहदों पर, जहां हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग फौज के साथ दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हर्षिल में जवानों के साथ दीपावली का पर्व मना रहे हैं। हमारी सब वफाओं का बस इतना सा सिला देना, हमारे कदमों से अपने कदम के सुर मिला देना, अंधेरों की हुकूमत पर फकत एक दीप भारी है, यहां पर हम जलाते हैं वहां पर तुम जला देना। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ, आपके यार दोस्तों को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। फिर एक बार मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके बीच आकर के IGP के जवानों के साथ, फौज के जवानों के साथ मुझे दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिला। उम्मीद का प्रतीक है दिया, खुशी का प्रतीक है दिया, जश्न का प्रतीक है दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब दीपावली का त्यौहार मनाएं तो एक दिया हमारे सुरक्षा बलों के नाम का भी जलाएं, क्योंकि वो हमेशा जलते हैं इस बात की परवाह किए बगैर कि उन्हें क्या कुर्बानी देनी हो रही है। वो हमेशा जलते हैं आपके लिए, हमारे लिए, समूचे देश के लिए। इसीलिए इस दीपावली हम जश्न उनके साथ भी मना रहे हैं। हाथों ने बंदूकों को एक अल्प विराम दिया तो भावनाओं की लकीरें रंग बनकर रेत के समुंदर पर तैरने लगी। जो आंखें सरहद की जाली के उस पार देखते वक्त लाल हो जाती हैं, उनमें इस वक्त खुशियों की चमक है। लेकिन वर्दी का एक वादा भी दिखता है कि जश्न मनाए देश की सरहद पर हम डटे हुए हैं। एक दिवाली ये भी है जैसलमेर से लगी पाकिस्तानी बॉर्डर पर BSF के कर्तव्य निष्ठों की। घर से दूर होने की हूक तो उठती है, लेकिन घर से आते वक्त खुद से किया हुआ देश रक्षा का वादा याद आता है। तो ये रेत पर बनती तस्वीरें और साथी जवानों के साथ बढ़ती खुशियां ही सब कुछ लगने लगती हैं। यहाँ रंगोली बना रही हैं, घर पे कौन बना रहा होगा? घर पे भाभी बना रही है। भाभी बना रही है, भाभी बना रही है। घर पे हैं कौन कौन? चार भाई है और एक भाभी है, मम्मी पापा। अच्छा, आप बताइए आपके घर में कौन कौन है? मम्मी, मैं, बस, और पापा और भाई। तो यहाँ पर तो सजा रही हैं आप, लेकिन घर पे कौन सजा रहा है? मम्मी और हाँ, मेरे घर में मेरी बहन बहुत, मतलब इन चीज़ों में बहुत रुचि रखती है, तो पक्का वही सजा रही होगी। कैसा लगता है कि दिन भर आप लोग बंदूक के साथ अपना पोस्ट को की निगरानी करती हैं, और यहाँ पर अब देखिए रंगों से इतना सुंदर रंगोली बना ली है। बहुत अच्छा लगता है मैम, इसमें ऐसा लगता है जैसे गर्मी हो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ड्यूटी करके। इसमें हाँ, सुबह साथ मिलकर बनाते हैं।
लेकिन घर में तो ज्यादा पटाखे चला पाते होंगे, यहाँ पर तो कम चलाने को मिलता है। ओरिजिनल पटाखे चलाते ना हमें। बाजारों की रौनकों से दूर, सारी सजधज से परे, इन्हें मालूम है कि मिट्टी ही इनका श्रृंगार है और इस मिट्टी की रक्षा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य। दिवाली के दिन सब लोग सजना धजना पसंद करते हैं, हाँ? आप लोग के लिए लेकिन ये छूट नहीं। नहीं मैम, हम वर्दी में रहेंगे दिवाली वाले दिन। वर्दी में भी बहुत अच्छी लगती हैं आप लोग, लेकिन वो उस चीज़ की कमी कभी महसूस होती है? नो मैम, होती तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम हम देश की सेवा करते हैं और यहाँ परिवार जैसे दिवाली मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब चूड़ी श्रृंगार सबके साथ सब दिवाली का त्यौहार मनाती हैं, लेकिन आप लोग वर्दी में भी उतनी ही अच्छे से देखिए। हाँ जी बिल्कुल, और हमें यहाँ पे पूरा फैमिली सपोर्ट मिलता है। याद आती है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करने में। अलग अलग स्टेट के हैं, एक साथ यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग स्टेट क्या के आने में, दोस्ती होने में थोड़ा टाइम लगता है या ट्रेनिंग के साथ साथ ही हो गई? ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि ध्यान नहीं रहता कि कहाँ की वो कहाँ की। एक साथ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इनकी तैनाती, ये राजस्थान सीमा, और यहाँ से होते हुए आगे जो जम्मू का इलाका है वहाँ पर भी इनकी तैनाती रहती है, कश्मीर के भी कुछ इलाकों में इनकी तैनाती है। और दिक्कत क्या होती है कि अगर दीपावली का त्यौहार आपको मनाना है इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए, तो रोशनी आप ऐसी नहीं कर सकते हैं जो थोड़ी ऊंची जाए, इसीलिए यहाँ पर आप चक्री देख रहे हैं, फुलझड़ियाँ देख रहे हैं, लेकिन आपस में इतना घुल मिलकर त्यौहार की खुशियाँ मनाते हैं कि कहते हैं कि घर की याद नहीं आती है, क्योंकि सारे लोग एक परिवार की ही तरह। त्यौहार की चहल पहल के बीच ये सवाल भी आपस में खूब उठता है कि कौन कितने दिन की छुट्टी पर आया है, कौन कितने दिन अपने गांव में रहेगा। लेकिन इन जवानों से बात करो तो पता चलता है कि अपनों के बीच मनाए जाने वाले एक एक पल का एहसास क्या होता है, एक एक छुट्टी की कीमत क्या होती है। ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जब छुट्टी मिलती है कितना दिन लगता है घर जाने में? घर जाने में लगभग दो दिन लगती है, बाई ट्रेन अगर जाएंगे तो, फ्लाइट से जाते हैं तो एक दिन में पहुँच जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? बंगाल का हूँ, वेस्ट बंगाल बालूरघाट। यहाँ से जाते हैं कितने दिन में घर? इधर दो दिन में पहुँच जाते हैं, फ्लाइट में दो दिन लगता है। हाँ, दो दिन दो नाइट लगता है। मतलब यहाँ से पहले जैसलमेर शहर जाएं, उसके बाद आगे ट्रेन फ्लाइट जोधपुर, उसके बाद कोलकाता, कोलकाता से फिर बालूरघाट का ट्रेन पकड़ते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं कर्नाटक का, बालकोट। वहाँ जाने में आपको कितना टाइम लगता है? मेरा दो दिन लगती है। हाँ, पूरा लगती है। तो आप लोग छुट्टी लेते हैं तो मतलब दो दिन तो आपके जाने में और दो दिन आने में लग जाते हैं? चार दिन लगभग जाता है टोटल जाने आने में। तो यहाँ पे दिवाली के लिए आप लोग यहाँ दिया लगा रहे हैं, घर पर जब रहते हैं तो कौन जलाता है दिया? घर पर रहते हैं तो हम जलाते हैं मदर फादर के साथ में और परिवार में बच्चों के साथ में, सभी के साथ में खुशियाँ मनाते हैं। क्या त्यौहार के समय ऐसा होता है कि घर की ज़्यादा याद आती है, घर में लोगों को याद आती है ज़्यादा? घर में तो याद आती है मैडम, आती तो है त्यौहार के टाइम पर, लेकिन सभी जवान तो त्यौहार नहीं मना सकते। हाँ, तो यहाँ भी तो तैनात रहना पड़ेगा ना बॉर्डर पे। लेकिन मालूम है कि आपकी ज़रूरत है, इसीलिए आप यहाँ पर। हाँ, कुछ खराब लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता, ये दोस्त के साथ मिल सके ठीक रहता है। कठिनाई तो बहुत होती है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि सभी लोग दिवाली अपने घर पर मनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम दिया गया है उसके लिए कुछ मिनिमम मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, उससे हम नीचे नहीं जा सकते। तो इसके लिए जो भी छुट्टी मांगता है, हमें देखना पड़ता है किसकी प्रॉब्लम जेन्यून है और किसको जो है छुट्टी भेजा जा सकता है। तो कोशिश करते हैं कि त्यौहार के दिन पे जो ऑफिसर्स हैं वो कम से कम यहाँ पर आकर आप एक नहीं होता है, थोड़ा सा सॉलिडारिटी दिखाते हैं कि भाई तुम नहीं मना रहे हो, मैं भी नहीं मना रहा हूँ त्यौहार। हाँ, ये होता है, हम लोगों को ये करना पड़ता है कि अगर हम उसको छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं तो ऑफिसर्स में भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिसर्स भी जाना चाहते हैं छुट्टियों में घर, तो उनको भी समझाना पड़ता है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि जवानों के साथ दिवाली मनाई जा सके और जवानों को जिससे कुछ हौसला अफजाई हो कि हमारे अफसर हमारे साथ में हैं। दिवाली है तो पटाखे हैं, जश्न भी है जो सरहद पर भी दिख रहा है, लेकिन कल से फिर अंधेरे आएंगे, तब रोशनी गलियों से निकलने वाली आग की होगी, धमाका असली बमों का होगा। यकीन मानिए, ये जवान तब भी ऐसे ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि कर्तव्य जरूरी है और राष्ट्र सर्वोपरि। आज तक के तमाम संवाददाता भी
अलग अलग सरहदों पर, अलग अलग मोर्चों पर, कहीं सेना तो कहीं अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों के साथ दीपावली का पर्व मनाने पहुंचे, एक दिया जलाने पहुंचे। दियों की कतारें जब झिलमिलाती होंगी, दीपावली के जश्न की जब घड़ी आती होगी, तब घर का आंगन और मुंडेरों की रौनकें याद तो आती होंगी। कैसी हो? बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें और दरवाजे पर खड़ी पत्नी का इंतजार भी याद आता होगा। आएंगे अगली दिवाली तक, अभी तो इस दिवाली में तो यहीं पे दिवाली मना रहे हैं। अब दोस्तों के ठहाके भी याद आते होंगे, लेकिन मालूम है कि गांव, परिवार, देश में त्योहार मनते रहें, खुशियों के दौर चलते रहें, उसके लिए यहाँ इन अंधेरों में खड़े रहना जरूरी है। बंदूकें ताने रखना जरूरी है। घर से दूर है तो क्या, कर्तव्य पथ के सब साथी जहाँ साथ हैं वहीं घर है, वहीं परिवार है, वहीं है हर उत्सव का उल्लास। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के उस हिस्से पर इस वक्त हम खड़े हैं। मेरे पीछे ये जो घने जंगल भरे पड़े हैं, ये नवगाम सेक्टर है जिसको घुसपैठ के लिए सबसे खास तौर से जाना जाता है। अधिकतर घुसपैठ जो जम्मू कश्मीर में होती है वो इन्हीं घने जंगलों में होती है। पिछले कुछ दिनों के दौरान इस पूरे इलाके में बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद सेना के जवानों की चौकसी नियंत्रण रेखा पर कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सेना के पास ये खबरें हैं कि कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के मौसम में भी घुसपैठ की कोशिश हो सकती हैं, जिसको विफल करना उनके लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जब दीपावली जैसा त्यौहार हो तब सीमाओं पर सतर्कता और भी बढ़ती है। जहाँ ये बर्फ का मैदान और ऊंची नीची पहाड़ियाँ खत्म होती हैं, वहाँ से जो जंगल आप देख रहे हैं, उन जंगलों के पार थोड़ी और दूरी पर दुश्मन घात लगाए अक्सर बैठा रहता है। ये कश्मीर की लीपा वैली से लगी हुई नौगाम की भारत पाक नियंत्रण रेखा है। पाकिस्तान यहाँ से बहुत दूर नहीं, हिंदुस्तान का अमन चैन उसे चुभता है। अब तो बिलबिला रहा होगा क्योंकि दीपावली का मौका है। सरहद के इस पार त्योहार का जश्न है, सदाओं में दुआओं की गुरुवाणी गूंज रही है, जवानों के हाथों में बंदूकों के साथ खुशहाली के दिए हैं। पूरे देश दुनिया में दीपावली का त्यौहार पूरे जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त देश की नियंत्रण रेखा नवगाम सेक्टर में खड़े हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान, जिनका प्रमुख काम देश की रक्षा करना है और सीमाओं की रक्षा करना है, वो भी ये दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। मेरे पीछे ये, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिमेंट है वो सिखलाई की रेजिमेंट है, लेकिन दीपावली के दिन जो खास भारतीय सेना की निशानी होती है कि यहाँ पर सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, उसमें कोई जाति, भेदभाव, धर्म कुछ नहीं देखा जाता है। जो बात हिंदुस्तानी फौज को दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज बनाती है वो ये कि किसी का नाम क्या है नहीं मालूम, किसी का धर्म क्या है नहीं मालूम, किसी की जाति क्या है नहीं मालूम, बस जिस्म पर एक रंग की वर्दी है और सबका एक ही धर्म है, मुल्क की रक्षा। यही वजह है कि जंग जैसे हालात होते हैं तब भी एक साथ, दीपावली जैसा त्योहार होता है तब भी एक रूप। दीपावली है जी, तो जी। आप घरों से दूर सीमा पर तैनात हैं, दीपावली किस तरह आप मनाते हैं? दीपावली हमारे बटालियन में, 8वीं बटालियन में धूमधाम से मनाई जाती है। सदियों से जब से खड़ी हुई है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मनाते हैं धूमधाम से। सब लोग जहाँ भी रहते हैं सभी बटालियन मिलजुल के इकट्ठा होकर हम लोग धूमधाम से मनाते हैं दीपावली। आपका नाम? सिपाही अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आप मुझे ये बताइए कि दीपावली के दिन खास क्या होता है, क्योंकि आप तो तैनात हैं देश की रक्षा पर, सीमा पर हैं, तो किस तरह से आप दीपावली मनाते हैं? हम लोग सभी मिलकर दिवाली खुशी से मनाते हैं और मिठाई सभी लोग बांटकर खाते, चाहे कहीं भी हो, एलसी पे हो या कहीं भी, सारे धर्म मिलकर मनाते हैं। तो आज जो दीपावली का दिन है, आज आपका क्या कार्यक्रम है? आपने घर बात की, घर वालों से आपने पूछा कि वो किस तरह से दीपावली मना रहे हैं? जी पूछा, सभी खुशी से मना रहे हैं। हम जहाँ भी होते हैं तो अच्छा से धर्म से मनाते हैं, दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं, दीप जलाते हैं और मिठाई आपस में बांट कर खाते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर सिंह है।
आप मुझे बताइए, आप सरदार हैं, आपका जो प्रमुख त्यौहार है वो बैसाखी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आज के ही गुरुद्वारे में दीपावली भी मनाई जा रही है, तो इस दिन क्या होता है खास तौर से? जो इस दिन जो हमारे सिखों के छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी से वो ग्वालियर के किले से 52 राजों को रिहा करवा के लाए थे, इसीलिए ये त्यौहार सिखों के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आज के दिन क्या होता है? आप अभी हम देख रहे हैं गुरुद्वारे में चल रहा था कीर्तन वगैरह। आज के दिन हमारे जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें हम दीपमाला करते हैं और घरों में भी दीप जलाए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती है। त्योहार की रस्म पूरी हुई तो हाथों ने फिर बंदूकें थामी। बर्फ में पैर गड़ाते हुए जवान चले जाते हैं घने जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच, और निगाहें लग जाती हैं इंच इंच होने वाली हलचल पर। जब देश में दिवाली मन रही होती है, गली मोहल्ले सब रोशनी से नहाए होते हैं, तब ये जवान अंधेरे ओढ़ लेते हैं, क्योंकि दुश्मन तो अंधेरे में ही निकलता है। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पहले इनकी छुट्टी इस तरह से प्लान की जाए कि एक जवान अपना कोई ना कोई त्यौहार घर मना सके। घर ना बना पाता हो फिर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम सब इकट्ठे हों, सारे के सारे जवान, जीसे साहिबान, ऑफिसर्स, और उनके साथ मिलके हम उनकी जो घर की परिवार की जो उनकी मुश्किलें हैं उनको सुना जाए और उनको मिठाई बांटी जाए और उनको बैठ के जो भी जिस धर्म का है उसमें फौज में, जैसा कि आपको पता है, सही ट्रू सेक्युलरिज्म का अगर आपको उदाहरण चाहिए तो वो आप सेना में आपको मिलेगा। जो कैंप में रह जाते हैं वो अंधेरे जंगलों पहाड़ों में निगेबानी के लिए गए अपने साथियों के त्योहार की रस्म को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर गीत जो गाते हैं वो अपने देश के नाम, हर ताली जो बजती है वो अपने साथियों के हौसलों के नाम। मिठाइयां भी बटती हैं, मुस्कुराहटें भी सजती हैं, घर याद तो आता होगा, लेकिन जब दिल से देश को ही घर मान लिया तो कोई ख्याल आंखें नम नहीं होने देता। बच्चों की किलकारी से दूर सन्नाटों में दिए भी जलते रहते हैं, बंदूकें भी तनी रहती हैं। हम इस वक्त देश की सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं और यहाँ पर भी दीपावली का जश्न चल रहा है। फर्क इतना है कि लोग घरों में परिवारों के साथ और यहाँ पर जवान अपने साथियों के साथ ये दीपावली मना रहे हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। जैसे पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है, कुछ ऐसा ही उत्साह यहाँ सरहद पर भी है। दरअसल जब पाकिस्तान जैसा आपका पड़ोसी होता है तो त्योहार का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह का विश्वासघात, जिस तरह का धोखा देने के लिए जाना जाता है पाकिस्तान, त्योहारों के समय वो अलग अलग इलाकों को अपनी आतंकी गतिविधियों के निशाने पर लाना चाहता है, और इसीलिए जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी जिम्मेदारी कई गुना और बढ़ जाती है। ।1965 में BSF की स्थापना के साथ ही देश को ये यकीन हो गया था कि सरहदें सुरक्षित हैं जब तक एक भी जवान बॉर्डर पर डटा हुआ है, और ये विश्वास 53 साल बीत जाने के बाद भी कायम है। मौका दिवाली का है, कुछ साथी सरहद की कटीली तारों के पास गए हैं ताकि दुश्मन कोई चाल न चल दे। जो ड्यूटी पूरी करके लौट आए हैं उन्होंने दीपावली के उत्सव की तैयारियां कर ली है। घर में अम्मा ने, यार धांगनी ने रंगोली सजाई होगी, इसी को याद रखते हुए घरों से हजारों मील दूर सरहद के बियावानों में भी रंगोली सजाई गई है, दीप जलाए जा रहे हैं। समूचा देश आज दीपावली का पर्व मना रहा है और इस समय हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के अखनूर सेक्टर में, और यहाँ पर जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं जो अपने घरों से दूर हैं यहाँ पर देश के लिए सेवा कर रहे हैं उनमें भी काफी जोश है, वो भी इस समय दीपावली का पर्व एक दूसरे के साथ मना रहे हैं। आप यहाँ पर आज दीपावली का पर्व मना रहे हैं, आप अपने घरों से काफी दूर है, तो क्या आप आज अपने घर वालों को, अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, उनकी कमी आपको महसूस हो रही है? आज BSF का जवान यहाँ बॉर्डर पे खड़ा है तो घर वाले हमारे, जैसे सारे घर वाले हमारे सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए जवान आज बॉर्डर पे खड़ा है तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। मैं पिछले बार छुट्टी गया था इसलिए हमको थोड़ी कमी खल रही है, लेकिन इतने दोस्त साथी के साथ मना रहे हैं तो यही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो जब छुट्टी जाते हैं तभी होली दिवाली हम लोगों के लिए।
घरों से दूर तो हैं, लेकिन घर दिल से दूर नहीं। लेकिन सौगंध हर घर की रक्षा की खाई है, लिहाजा सरहद को ही घर बना लिया है। साथी सिपाही ही परिवार है। दियों से सरहद जगमगा रही है। अभी तो रोशनी की और भी रस्में बाकी हैं। थोड़ी सी फुलझड़ियां न चलाएं तो गांव में बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। बस ऐसा ही कुछ ख्याल मन में आया तो थोड़ी फुलझड़ियां भी चलाई। समय आज परिवार के साथ नहीं है दीपावली के पर्व पर, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी खल रही है आपको? हाँ, ऐसे तो थोड़ा मिस करते हैं घर वालों को, पर इतने मतलब सबके बीच दीपावली मनाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। मौका खुशी का हो तो बिना डांस किए बात कहाँ पूरी होती। देश के जश्न में खुद को शामिल करते हुए सरहद के ये सिपाही डांस में भी बेजोड़ है। ताल से ताल मिलती है, फिर कदम ताल मिलते हैं और सब जाती है इसको डांस की महफिल। लेकिन जश्न की इस तस्वीर से अलग एक तस्वीर और भी है जो इसी हंसी खुशी के माहौल के बिल्कुल करीब है। समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बीएसएफ के जवान जो है मुस्तैदी के साथ यहां पर बिल्कुल डटे हुए हैं ताकि दुश्मन कोई भी अगर यहां पर किसी भी प्रकार की हरकत करता है तो ये उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम यहां पर जो तैनात हमारे बहादुर बीएसएफ जवान हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम विजित लाल। विजित लाल जी, आप कौन से राज्य से हैं? केरला। आप केरला से, दक्षिण भारत से हैं, इतने दूर से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप तैनात हैं, अपने घर से दूर हैं आप, आपको किसी प्रकार का मलाल है, दुख है कि आज आप त्योहार के दिन भी घर नहीं पहुँच पाए और यहाँ पर सीमा की रक्षा के लिए हैं? ना, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है, ये हमारा ड्यूटी है। बिल्कुल, तो आपके लिए पहले ड्यूटी है, परिवार बाद में? बिल्कुल, पहले ड्यूटी है। घर से दूर रहकर देखिए किसी त्योहार पर, फिर पता चलेगा कि इन जवानों का ये त्याग कितना बेमिसाल है। लेकिन जहाँ परंपरा ही त्याग की हो वहाँ इतना कौन सोचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक सीमा सुरक्षा बल और बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात है, आप निश्चिंत होकर सभी त्योहार मनाएं, सभी अपना एंजॉय करें और सभी मिलजुल कर देश की प्रगति के लिए काम करें और इसका जो पूरा जो दायित्व है वो हम पर छोड़ दें और किसी किस्म की ऐसी बॉर्डर पर कोई ऐसी कार्रवाई हमारे रहते हुए नहीं होगी जिससे कि किसी किस्म का कोई नुकसान या इस तरह का अंदेशा अंदर में हो। सरहद के सन्नाटों में घूमते इन जवानों की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। कानों में साथियों की जश्न की आवाजें भी आती होंगी, लेकिन कर्तव्य का जो मंत्र दिमाग में गूंजता है वो एक पल को कुछ और सोचने ही नहीं देता। याद रहता है तो बस ये जीवन पर्यंत कर्तव्य। हम यहाँ जैसलमेर में तनोट माता मंदिर पे हैं। इन्हें युद्ध वाली देवी भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जितनी बार भी बम फेंके गए यहाँ पर विस्फोट एक में भी नहीं हुआ और मंदिर में उन सभी बम को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन हम दीपावली के त्यौहार पर खास यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो इस तरह की आतिशबाजी आप देख रहे हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं की जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। वहां हम चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से सीमाओं में मनाई जा रही है दीपावली। लेकिन अभी हमारे अगले संवाददाता के पास चलते हैं। फर्ज की डोर और मिट्टी के कर्ज को चुकाने की कसम ने घरों से दूर कर दिया, लेकिन न जाने कितने घरों को उजालों के त्योहार दे दिए। दीपावली है तो आज खुद भी जश्न में डूबे। हर कदम पर जहां नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंगे हैं, चप्पे चप्पे पर जहां नक्सलियों का खूनी कानून चलता है, जहां रोज ही मुठभेड़ों के निशान साथियों की शहादत को याद दिलाते हैं, वहां ये जश्न असाधारण है और सलाम बनता है जवानों की हिम्मत का जो ऐसे हाल में भी नाचते हैं गाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की और ये इलाका है झारखंड का। ये देश के उन वीर जवानों की दिवाली है जो नक्सल इलाकों में इस वक्त तैनात हैं। इनके दिलों में आप खुशियां देख सकते हैं।
अपने घरों से दूर ये दिवाली को रोशन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में इस बात का जज्बा है कि ये इस समय यहाँ पर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। जब ये लोग रक्षा करते हैं तभी हम और आप अपने घरों में रह करके दिवाली मना पा रहे हैं। इनमें से किसी को कोई मलाल नहीं कि घर से दूर है, किसी को इस बात का गम नहीं कि त्योहार पर घर में उन्हें याद करके किसकी आंखें भीगी होंगी, चेहरे पर कोई असंतोष नहीं कि अपने परिवार के बीच नहीं। बात करके देखिए, इनकी हिम्मत देखकर आपकी आंखें भर आएंगी और गर्व होगा अपने जवानों पर। दिवाली में आपने क्या खास किया है, यहाँ पर किस तरीके से जश्न मनाया, घर वालों से आपकी बातचीत हुई? हाँ, घर वालों से बात हुई, घर वालों को बधाई दिया, घर वालों ने मुझे बधाई दिया, और ख़ास बात ये रही कि अपने साथियों के साथ दीपावली मनाने का और ही मज़ा है। घर की याद तो आती है, बट मलाल भी होती है कि घर में त्यौहार नहीं मनाए, लेकिन इस उत्साह से हम यहाँ दिवाली मनाते हैं कि जिस यहाँ हम सुख से दिवाली जश्न खुशी से मनाएं, ताकि पूरी इंडिया खुशी से दीपावली मना सके। और मैं आज बहुत इंजॉय किया, शायद इतना इंजॉय मैं घर पे कभी नहीं कर पाया जितना आज अपने इतने सारे दोस्तों के साथ इंजॉय किया। और मुझे बहुत प्राउड है, प्राउड इस बात का है कि 125 करोड़ देशवासी आज हम यहाँ दिवाली मना रहे हैं, इसलिए हमारे 125 करोड़ जो देशवासी है अपने घर में बहुत सुरक्षित और सेफली तरीके से दिवाली मनाएंगे। टीम आज तक ने जवानों के साथ खुशियों के उत्सव को मनाया, कुछ उनके दिल की सुनी तो एहसास हुआ कि चट्टान से मजबूत दिखने वाले इन जवानों ने व्यक्तिगत खुशियों पर देश सेवा का बड़ा सा संकल्प रूपी पत्थर भले ही रख लिया हो, लेकिन दिल के किसी कोने में घर का आंगन धड़कता है। घर से तार मिले तो आंखों ने प्रेम की बरसात शुरू कर दी। हाँ, यहाँ भी सब लोग ठीक हैं। सब लोग ठीक हैं, यहीं पे हैं। लेकिन दिल के रिश्ते ज्यादा देर तक हावी नहीं रह पाते, क्योंकि देश की रक्षा से जो रिश्ता जोड़ा है वो ज्यादा बड़ा है। दीपावली है तो आज जश्न मनाना है, दिए जलाने हैं, मिठाइयां बांटनी है। कोबरा कमांडो के इन जवानों के लिए यहां पर खास तरीके की मिठाइयों का भी इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि लड्डू इनके लिए व्यवस्था की गई है, इन लड्डू को लेकर के ये यहां पर दिवाली का जश्न मना रहे हैं। सबको पता है कि ये जश्न देश के दुश्मनों के कानों में भी पड़ रहा होगा, रोशनी उनको भी कहीं ना कहीं से दिखाई दे रही होगी, इसीलिए चौकन्ने भी हैं और तैयार भी हैं। जिन हाथों में दिया है उनमें पलक झपकते बंदूक भी आ जाएगी और अगले ही पल दुश्मन भी जमीन पर पड़ा होगा। फिलहाल त्योहार है और देश की खुशी के साथ खुद की खुशी मिलानी है, लिहाजा भारत माता की जय के साथ जश्न जारी है। देश में क्षेत्र बदलने के साथ, भाषा बदलने के साथ त्योहार मनाने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन ये तो भारतीय फौजी हैं, यहाँ पर वर्दी भी एक, बोली भी एक, त्योहार मनाने का अंदाज भी एक। राजस्थान की रेतीली सीमाओं से चलिए उत्तराखंड की ठिठुरन भरी ऊंचाइयों पर। डोकलाम विवाद के बाद भारत चीन सरहद पर कूटनीतिक स्तर पर शांति की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सरहद पर आईटीबीपी के इन जवानों की मुस्तैदी में कहीं कोई कमी नहीं है। इस वक्त हम दिवाली के मौके पर भारत चीन सरहद में नीति घाटी में तैनात आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचे हैं और ये जवान अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पर आज तक उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद के पास गौचर पहुंचा। यहां 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर नजर रखते हैं आईटीबीपी के जवान। पूरे एरिया की बात की जाए तो करीब 56 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका है जहां पर आईटीबीपी के जवान दिन और रात के वक्त पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करते हैं। और एरिया की अगर बात की जाए तो जो एरिया है वो नदी नालों का एरिया है, पहाड़ का एरिया है, ऊंचे इलाके हैं, खासतौर से 17,000 फीट जहां पर सांस लेना मुश्किल होता है। और आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो ये इलाका अगले 6 महीनों तक पूरी जो नीति घाटी है बर्फ से ढक जाएगी। और ऐसे मुश्किल हालात में जब चीनी सेना से आमना सामना होता है तो जवान किसी भी मौके पर
अपनी सरहद पर जो निगरानी है उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। डोकलाम में भले ही चीनी सेना के साथ तनातनी को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन सरहद पर तैनात हिमवीर चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते। आईटीबीपी के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में जटिल से जटिल कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर तैनाती के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो हमारे जवान हैं तथा जिस प्रकार की हमारी तैनाती है, सर्दियों के महीने में वहाँ का जो तापमान है -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और सर्दियों में काफ़ी स्नोफॉल होने की वजह से जो हमारे कुछ BOPs हैं वो 4 से 5 महीने तक रोड से कट जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे सप्लाई और सारी जो कमियाँ हैं, इसकी वजह से हम इस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं जो हमें इस तरह के कठिन हालात में भी हमारे जवानों को पेट्रोलिंग और बॉर्डर की सतत निगरानी करने में हमें चुस्त और दुरुस्त बनाती है। चमोली जिले में नीति पास की कई फॉरवर्ड पोस्ट्स पर ITBP की तैनाती है। कई फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए 20-20 किलोमीटर तक पैदल जाना होता है। हालांकि पिछले सालों से इन इलाकों में सड़क बनाने का काम तेज हुआ है। पर्व त्योहारों पर भी हमारे जवान पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऊंचे पहाड़ और नदी नाले वाले इलाके में ITBP के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। हमारी तैनाती दुर्गम इलाकों में होती है, जिसकी हाइट 14,000 फीट से 17,000 फीट तक होती है। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ की बर्फबारी भी 10 फुट तक होती है। इस भी परिस्थितियों में हम दुश्मन की हर चुनौती का सामना पूर्ण तरीके से करते हैं। हिंदुस्तान के जवान मौत से नहीं घबराते और जिंदगी का जश्न भरपूर मनाते हैं। अपनी परंपराओं को निभाते हुए दीपावली की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, दिए जलाते हैं और फिर जमकर नाच गाना भी होता है। यहाँ पर तो कम चलाने को मिलता है, ओरिजिनल पटाखे चलाते ना है हमें। एक दिया खुशियों का, एक दिया हिम्मत का, सारे दिए देश के। दीपावली के त्योहार पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन रितेश और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोज और शेयर कीजिए।